दोस्तों मिलिए दो छोटे भाइयों और बहनों को जिसने पिता के मरने के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ दी। उनका कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। लेकिन आज हम एक पावरफुल यूट्यूबर के बारे में बताने जा रहे हैं और वो बहुत हेल्पफुल है, लोगों की हेल्प बहुत करते हैं, खास करके गरीबों की हेल्प करते हैं। उनका नाम है नितिन भाई। तो भाई उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उनकी वीडियो देखा तो मेरे दिल को छू गया, तो मैं बोला आप सभी को दिखा देता हूँ ताकि आप सब भी जाने कि दुनिया में एक से एक हेल्पफुल लोग हैं जो गरीबों का बहुत ख्याल रखते हैं और मदद करते हैं। और चलो यहाँ पे वीडियो लगा देता हूँ, मैं भी देखता हूँ आप भी देखें साथ में, और पहले वीडियो को देख लेते हैं उसके बाद में उनके बारे में बात करेंगे। तो चलो दोस्तों मिलिए दो छोटे भाइयों और बहनों को जिसने पिता के मरने के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ दी। उनका घर अंदर से पूरा टूटा फूटा है और घर की दीवारें भी कभी भी गिर सकती हैं। वासना जिला के एक छोटे से गांव जहां पर 5 लोगों के परिवार पिता के मरने के बाद बेसहारा हो गया। पूरा यह परिवार परेशान है। पिछले 5 साल से यह परिवार सभी लोग से मदद मांगी लेकिन किसी लोगों ने इसे मदद नहीं की। घर की छोटी बेटी रोज सुबह उठकर खाना बनाकर 125 रुपए में मजदूरी के लिए जाती है। उनका घर पूरा तरीका से टूटा फूटा है, घर की दीवारें कभी भी गिर सकता है। तो आज हमारे नितिन भाई इन 5 लोगों के लिए एक नए घर बनाने वाले हैं और इन लोगों के एक नई जिंदगी शुरुआत करने वाले हैं। तो जब तक हमारे नितिन भाई इस घर को बना रहे तुम उन लड़कियों के लिए तो बहुत लाइक कर, लेकिन जो हमारे पापा इतनी कड़ी धूप में मेहनत करके 2 वक्त की रोटी खिलाता है उनके लिए तो 1 लाइक और 1 फॉलो कर ही सकते हो। और जो अपने पापा के लिए इतना भी नहीं कर सकता वो कृपया वीडियो से दूर रहे, साथ अपने पापा के लिए इस इमोजी को सेंड कर देना। तो आपको पता ही होगा घर बनने में 1 दिन का टाइम नहीं लगता, उसके लिए तो 7 से 8 दिन लग ही जाता। तो अगले पार्ट 2 के लिए कमेंट करें। दोस्तों आपने देखा किस तरह नितिन भाई ने इनकी मदद की है और इनकी जो लड़की है वो कमाने आते 125 रुपये मजदूरी के लिए, इनका घर का हालत कैसा था। और आप सब ने वीडियो में तो देख ही लिया होगा, लेकिन भाई दुनिया में बहुत हेल्पफुल लोग हैं जो हेल्प करते हैं गरीबों की, तो उनको भाई दिल से सलूट। और आप सभी को वीडियो इनका कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, भाई को दिल से सलूट है। अब आप सब तो समझ ही गए होंगे, आप सबको जितना लगे उतना जरूरतमंद कि आप सब कर सकते हेल्प, जैसा ऊपर वाले ने हमको जैसा बनाया है वैसा हम कर सकते। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय, अपना ध्यान रखें।